अज 25 जुलाई नूं पटियाला जिले दे विच कोविड की स्थिति है उहदे बारे जानकारी दे रहे ने सिविल सर्जन पटियाला डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी। अज साढ़े कोल 725 टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं जिन्हां चों 47 पॉजिटिव आए ने। ये 47 पॉजिटिव जिहड़े आए ने 36 पटियाला शहर नाल संबंधित ने, 5 राजपुरा दे ने, 6 वख-वख पिंडां दे ने और इन्हां चों ज़्यादातर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दौरान लब्भे गए ने। इस तों अलावा मैक्स हॉस्पिटल मोहाली तो, ग्रेशन हॉस्पिटल तो, सैक्टर 32 हॉस्पिटल तो भी एक केस रिपोर्ट होया। सिविल सर्जन अंबाला ने भी केस रिपोर्ट करया और ये जिहड़े केसिज हैं पटियाला दे वख-वख इलाकियां चों डिस्ट्रीब्यूटिड ने। इन्हां 3 गर्भवती महिलावां हैं, 1 पुलिस मुलाजम भी है। नवीं गाइडलाइनज मुताबक इन्हां नूं कोविड केयर सेंटर या रजिंद्रा हॉस्पिटल की आइसोलेशन फैसिलिटी या होम आइसोलेशन च रखा जा रहा है। इस तों अलावा मिशन तहत फतेह तहत भी अज 29 मरीज 17 दिन की अपना डिस्चार्ज दे पॉलिसी मुताबक समा पूरा करके डिस्चार्ज कर दिते गए। ठीक होने वाले केसां दी इस तरह गिनती 682 हो गई है और कुल केस 1313 पॉजिटिव केस हो गए ने। तो एक्टिव केस इस वक्त साढ़े कोल 611 ने और 39,856 सैंपल्स असी लै चुके हैं। 858 की रिपोर्ट आनी बाकी है। 1313 पॉजिटिव आए ने। एक्टिव केस मैं फिर रिपीट कर रहा, 611 ने और 682 ठीक होके जा चुके ने। अज भी असी वख-वख थावां तो जिले चो 600 के करीब सैंपल लए ने ते उन्हां दी रिपोर्ट सानू कल मिलेगी और इन्हां जिहड़े नए केसिस मिले ने इन्हां दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। और मैं फिर जनता नूं इही अपील करांगा कि कोविड ते डेंगू दी गाइडलाइनस दिन बिन पालना करो ताकि आपां इन्हां दोनों बीमारियों तो निजात पा सकीए।